29 नवंबर से दिल्ली में स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी। सरकारी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें, थोड़ा सुधार दर्ज किया गया, आज AQI 280 था। उनतीस तारीख से जो सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम था, यानी सरकारी दफ्तर बंद थे, उन्हें खोल दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए सभी जो कर्मचारी हैं सरकारी विभाग से, उनसे ये एडवाइजरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। हमने ये भी निर्णय लिया है कि अभी जो हमने प्राइवेट बसें जो हायर की है CNG की, इन बसों को जो मेजर कॉलोनियां हैं जहां से दिल्ली सरकार के कर्मचारी आते हैं, वहां पर स्पेशल बस हम लगाएंगे। जैसे कि निमड़ी कॉलोनी है, गुलाबी बाग है, तिमारपुर है, ऐसे और भी जहां जहां पर कंसंट्रेटेड कॉलोनी बनी हुई है, जहां पे लोग रहते हैं, तो वहां से स्पेशल बस हम शुरू करेंगे। और जो नई बसें हमने हायर की है, वो स्पेशल बस वहां से शुरू करेंगे, जिससे वो आ सकें। दूसरा, वो मेट्रो का उपयोग करें। दिल्ली सचिवालय से हम ITO मेट्रो और IP दोनों जो नियरेस्ट मेट्रो हैं, वहां हम शटल बस सर्विस भी शुरू करेंगे।